हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NKN कॉइन को लेकर कि इसकी प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है, किस लेवल पे इसको सपोर्ट मिल सकती है, किस लेवल पे इसको रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि अभी NKN अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। लगभग कोई 5x तक का वो बेनिफिट अभी हमें दे सकता है। तो सारी की सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेनी चाहिए, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो गाइज, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी अपडेट आपको इसी पर मिलने वाली है, किस कॉइन में, किस टोकन में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर NKN कॉइन का चार्ट ओपन करके रखा है। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज बताने वाला हूँ, जो NKN ने अपना यहाँ पर सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है, अब वो इसके लिए क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस लेवल। बट अभी जहां पर इसको सपोर्ट मिली है, वहां से अगर ये अपना उस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर देता तो फिर इसको किस लेवल पे सपोर्ट मिलने वाली है, और वहां से वो कब बाउंस बैक लेगा और कहां पर इसको रिजेक्शन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसको सपोर्ट किस लेवल पे मिलने वाली है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको जो इसका मेन सपोर्ट लेवल है सबसे पहले वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका ये मेन सपोर्ट लेवल है जो कि लेवल है 0.16 लेवल के आसपास का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट मिली है, यहाँ पर भी है, इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, तो इसको कुल 6-7 बार यहाँ पर सपोर्ट मिल चुकी है। तो ये इसके लिए मेन सपोर्ट लेवल है, बट अभी ये इस सपोर्ट लेवल से ऊपर ही चल रहा है। तो अभी जहां पर इसको सपोर्ट मिल सकती है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, इस लेवल के आसपास मिल सकती है जहां पर इसने इसको ब्रेक किया था, फिर यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर भी मिली हुई है इसको ऑलरेडी सपोर्ट, यहाँ पर मिली हुई है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ऑलरेडी इसको यहाँ पर सपोर्ट मिली हुई है जो कि लेवल है 0.25 लेवल के आसपास का। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकती है अगर इसका ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है जो कि लेवल है 0.32 के आसपास का, जहां पर इसकी अभी करंट वैल्यू चल रही है। वैसे तो इसका मेन सपोर्ट लेवल ये था जिसको इसने ब्रेक कर दिया, जो कि लेवल था 0.42 के आसपास का, बट यहां पर मार्केट में हमें एक अच्छी खासी डिप देखने को मिली, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, जिस वजह से काफी सारे अल्टकॉइन जो है नीचे आ चुके हैं, काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो अभी जो NKN को सपोर्ट मिल रही है वो इस लेवल पे मिल रही है जो कि लेवल है 0.32 के आसपास का, यहां पर इसको अभी सपोर्ट मिल रही है। तो मैं यहां पर आपको कुछ ज्यादा घुमा फिराकर नहीं बताने वाला हूं, इतनी आसानी के साथ बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहां पर इसको सपोर्ट मिली है किस लेवल पे, 0.32 लेवल के आसपास, और यहां पर इसको ऑलरेडी सपोर्ट मिली हुई, आप यहां पर देख सकते हो कि पहले यहां पर भी मिली थी, फिर यहां पर भी मिली, यहां पर भी मिली, यहां पर भी मिली, यहां पर भी सपोर्ट मिली हुई, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, और यहां पर भी एक बार इसको सपोर्ट मिली। तो ये भी एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ना कि कोई छोटा मोटा सपोर्ट लेवल। तो यहां पर इस प्राइस पे इसको एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है, बट अभी इस चीज के चांस बन रहे हैं कि मार्केट में हमें एक और डिप देखने को मिल सकती है। अगर इसका ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है जो कि लेवल है 0.32 के आसपास का, ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो हमारे लिए इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा, जो कि हमारे लिए एक बाइंग पॉइंट भी हो सकता है, जो कि लेवल है 0.32 के आसपास का। तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा बाय करके रखना है अगर NKN कॉइन की वैल्यू इस लेवल पे देखने को मिलती है। अगर ये वाला सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी इस लेवल पे, जिसके चांस सिर्फ और सिर्फ 2% है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट में अभी एक और डिप आ सकती है, तो यहां तक इसकी वैल्यू देखने को मिल सकती है जो कि लेवल है 0.16 के आसपास का। सो गाइस, ये तो हो गई बात कि इसको कहां पर सपोर्ट मिल सकती है। अब आप ये सपोर्ट लेवल ध्यान रखना, बट अभी ये जिस लेवल पे चला है वो लेवल है 0.3221 का, और जहां पर इसको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी वो लेवल है 0.3205 का। तो यहां पर इसको सपोर्ट मिल सकती है, बट अभी यहां पर अभी आप इसमें एंट्री लेकर रख सकते हो अगर आप NKN कॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो। बट मैं यही कहूंगा आप कम से कम 30% की एंट्री लेना। अगर आप इसमें 1000 लगाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए लगाना, बाकी आप अपने पास सेव रखना, बिकॉज अगर ये इस लेवल पे आता है 0.3205 के आसपास तो आप तब एंट्री ले सकते हो 30% की। अगर यहां से ये वाला सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो तब आप बाकी की एंट्री ले सकते हो 40% की इस लेवल पे, जो कि लेवल है 0.16 के आसपास, बट इसके चांस जैसा मैंने बताया 2% है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, यहां पर कुछ भी पॉसिबल है, इसकी वैल्यू इतनी नीचे भी आ सकती है और इससे यहां पर वापस से बाउंस बैक भी ले सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर इसकी वैल्यू जो यहां से वापस से बाउंस बैक लेती है तो हमें इसकी प्राइस जो है किस लेवल तक देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी टाइम इसने यहां पर स्ट्रगल किया है, मतलब कि यहां पर इसकी जो प्राइस है कुछ टाइम इसी साइड बेस में मूवमेंट करती रही, जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक हुआ तो इसकी प्राइस हमें इस लेवल तक देखने को मिली जो कि लेवल है 0.58 के आसपास, फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें इसकी वैल्यू देखने को मिली इस लेवल के आसपास, जो कि लेवल है 0.81 के आसपास का लेवल। तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जो इसकी प्राइस को यहां से बाउंस बैक मिलेगी वो किस लेवल तक मिल सकती है। तो पहले आपके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो ये वाला लेवल है जो कि लेवल है 0.42 के आसपास का। ये सारे के सारे लेवल मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूं, आपको ये जनवरी तक या फिर दिसंबर के
लास्ट तक इतना बेनिफिट आराम से दे देंगे कि 10% से लेकर 20% तक का बेनिफिट आप लोगों को एनकेएन कॉइन में मिल जाए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला 0.42 के आसपास। दूसरा लेवल है 0.58 के आसपास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से इसको एक काफी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले मिली हुई, यहाँ से मिली थी तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई थी, जो कि लेवल था 0.16 के आसपास। बट फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली, तो फिर इसकी वैल्यू आई इस लेवल के आसपास, जो कि लेवल है 0.32 के आसपास का। फिर यहाँ से इसने सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद ये वापस से इसी लेवल पे गया, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन देखने को मिली। और यहाँ से जो रिजेक्शन देखने को मिली वो किस लेवल पे आकर रुका है, इसी लेवल के आसपास, जो कि लेवल है 0.3220 के आसपास का। तो यहाँ पर इसको एक अच्छी खासी सपोर्ट मिली है। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है कि यहाँ पर इसको कितनी बार सपोर्ट मिली हुई है और कितनी बार यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला है, कि जो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है इसको आसानी के साथ ब्रेक कर सकते हैं। और फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, हो सकता है कि इसको ब्रेक करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें इसकी वैल्यू इस लेवल के आसपास तक देखने को मिल सकती है, जो कि लेवल है 0.81 के आसपास का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप अपना सेलिंग टारगेट जो लगा सकते हो, सबसे पहले इस लेवल पे लगा सकते हो जो कि लेवल है 0.42 के आसपास का। नेक्स्ट अपना सेलिंग टारगेट लगा सकते हो 0.58 के आसपास। तो यहां पर आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा, लगभग कोई 20% से लेकर 40% तक का आप लोगों को बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। बट अगर आप इसके लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो फिर आपको इसका रेजिस्टेंस लेवल जो देखने को मिलेगा वो लगभग $1 से ऊपर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो किस लेवल के आसपास बनाया था, लगभग $1.5 के आसपास, $1.48 के आसपास आप यहां पर देख सकते हो, इस लेवल के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो यहां तक इसकी वैल्यू हमें कब देखने को मिलेगी, जब इस वाले रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होगा, बिकॉज इसके बाद यहां पर जितने भी रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत छोटे छोटे, पहला $1 के आसपास है, फिर है दूसरा लेवल 1.20 के आसपास, जहां से इसको छोटी सी रिजेक्शन मिल सकती है, बट इसके चांस बहुत ही कम है। जैसे हां इसके चांस पूरे पूरे हैं, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा जो कि लेवल है 0.81 का, तो यहां से हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो लगभग इसी के आसपास देखने को मिलेगी, जहां पर इसका ऑल टाइम हाई बैठा है, जो कि लेवल है $1.48 के आसपास। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म होल्डर है तो आप यहां पर $1.5 के आसपास अपना सेलिंग टारगेट लगा सकते हो। तो ये तो हो गए इसके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। बट अब यहां पर बात आती है एंट्री लेने की। एंट्री लेने का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप यहां पर तीन बार में एंट्री ले सकते हो, 30-30% करके, फिर लास्ट में 40%, मतलब कि 40% की। तो इस तरीके से आप अपने 100% की यहां पर एंट्री ले सकते हो। बट यहां पर जो इसके रेजिस्टेंस लेवल है उसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां पर ये इसको आसानी से ब्रेक कर देगा, और इस लेवल को यहां पर ब्रेक करने के लिए इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। ये कुछ दिन साइड बेस मूवमेंट कर सकता है, एक हफ्ते भी या दो हफ्ते भी, या फिर एक दो दिन में भी साइड बेस मूवमेंट करके यहां पर जैसे इसको ब्रेक करेगा तो इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी $0.81 के आसपास। तो ये एक इसके लिए मेन रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। बट अगर यहां पर ये इसको भी ब्रेक कर देता तो फिर आपको मैंने ये चीज बताई दी कि इसकी वैल्यू हमें इस लेवल के आसपास तक देखने को मिलेगी, जो कि लेवल है $1.48 के आसपास। सो गाइस, ये थे इसके मेन रेजिस्टेंस लेवल और मेन सपोर्ट लेवल। बट यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, जो मैंने सपोर्ट लेवल बताए आपको उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। अगर आप यहां पर चलती गाड़ी में चढ़ोगे तो फिर यहां पर आप गिरोगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करनी है जो इसके मेन सपोर्ट लेवल है और जो इसके मेन रेजिस्टेंस लेवल है। बाइंग पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको यहां पर इसमें किस तरीके से एंट्री लेनी है, और सेलिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि मार्च तक रख लेते हो तो फिर आपको इसकी वैल्यू $2 से ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये थी सारी की सारी अपडेट एनकेएन कॉइन से रिलेटेड, इसके मेन सपोर्ट लेवल, इसके रेजिस्टेंस लेवल, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।